हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ निशा हिना हेयर कलर का रिव्यू, वो भी डेमो के साथ। और आप इसको बालों में कैसे बनाकर लगाना है और किस तरह से लगाना है जिससे कि आपको अपने बालों में एक परफेक्ट हेयर कलर मिले, तो वो सब कुछ आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। और कुछ ट्रिक भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिससे कि आपके हेयर सिल्की एंड शाइनी और स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये निशा हेयर कलर है, ये आपको 10 रुपीज में आसानी से मिल जाएगा। आप इसको अपने हेयर के लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितने भी आपके बाल हैं उस हिसाब से आप इसको ले लीजिए। और एक नेचुरल ब्राउन हेयर कलर है। अगर बालों को आप ब्राउन नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको कैसे बरगंडी में चेंज कर सकते हैं, वो भी सब कुछ आपको मैं बताऊंगी। दोस्तों, अगर आपके पास मेहंदी लगाने का टाइम नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इंस्टेंट कलर पा सकते हैं। तो आप इस निशा हिना कलर को बालों में लगा सकते हैं और बालों में ये कोई ख़राब नहीं करता, बालों किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाता। लेकिन जिस तरह से मैं बता रही हूँ आप उसी तरह से लगाएंगे तो 100% बहुत अच्छा वर्क भी करेगा, साथ ही साथ आपके बालों की बरगंडी कलर भी मिलेगा। और अपने बालों में इसको ना, आपके बालों में से किसी तरह कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और यह सिल्की एंड शाइनी होंगे, साथ ही साथ घने भी दिखाई देंगे। तो चलिए इसको तैयार करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है ना उसको जरूर दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप वीडियो देख सकें। तो इसको कैसे बनाना है चलिए मैं भी वो आपको सबको वीडियो में आप सबको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लेना है 2 कप पानी। पानी हमें गर्म होने के लिए रख देना है गैस पर और उसमें हमें ना 2 स्पून चाय की पत्ती ले लेना है। इसके बाद इसमें हम पावरफुल इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है मेथी। मेथी 2 चम्मच डालेंगे और मेथी बालों में बहुत मजबूती देती है, बाल घने करती है और बालों का ये टूटना भी रोक देती है। और इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। अच्छे से बॉयल होने के बाद इसमें एक डार्क कलर भी दिखाई देगा, अभी ये खोलेगा। आपको ज़्यादा गर्म नहीं करना है, आपको मुश्किल से 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से बॉयल कर लेना है। जब ये बॉयल हो जाएगा तो ये आपको बालों में लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये इसमें जो मेथी चाय की पत्ती डाली दोस्तों, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके बालों को कलर के साथ साथ मजबूत भी बनाएंगे। तो यहाँ पर ये अच्छे से बॉयल हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं, और बस इसको ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। चलिए, जब तक फिर इसके बाद हम लेंगे अब यहाँ पर निशा। अब यहाँ पर एक कटोरी ले लेना है, अब इसे हमें यहाँ पे निशा हिना को निकाल लेना है। बालों के लंबाई के अनुसार ले लीजिए और इसको अच्छे से आप निकाल लीजिए। यहाँ पे मैं लगभग 2 पैकेट ले रही हूँ। आप है ना अपने बालों के अकॉर्डिंग जरूर लें, क्योंकि जब कम पड़ जाए तो फिर बाद में ना वो मज़ा नहीं आता, जिससे कि बालों में आधा कलर हो और आधा कलर ना हो। तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल लीजिए। अब इसमें हम लेंगे अभी चुकंदर का जूस। दोस्तों, ये है चुकंदर का जूस, यहाँ 1 कप लेना है। इसी से है हमारा नेचुरल हेयर कलर का जो बरगंडी कलर आएगा ना, इसी से आएगा दोस्तों, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। अब ये हमारे बालों को बरगंडी कलर देगा। इसको इसमें डाल लेंगे। इसके बाद हम लेंगे इसमें जो पानी हमने चाय पत्ती का और मेथी वाला बनाया था, वो ठंडा हो चुका है, अब इसमें हम डालते जाएंगे। इस पेस्ट में हम इसको ना तैयार करने के लिए धीरे धीरे मिलाते जाएंगे और ना घोलते जाएंगे। आप इसमें ऐड करते जाइए, मिलाते जाइए, जिससे कि ये अच्छे से बन जाए। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की और भी यूजफुल वीडियो देखने के लिए। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक भी कर सकते हैं, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हेयर कलर बताए हैं जो आपके बालों में बहुत अच्छा है ना कलर भी देंगे, साथ ही साथ है ना आपके बालों में नुकसान भी नहीं करेंगे और आपके बालों को स्ट्रांग, मजबूत और है ना ग्रोथ करने में आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ पर ये मिला लिया है मैंने अच्छे से। अब थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा था, थोड़ा सा मैं और चाय पत्ती का जो मेथी का पानी वो इसमें फिर से मैं मिला लेती हूँ। आप इसमें ना मिलाते जाइए, आप ना और घोलते जाइए। काफ़ी अच्छा इसका हमें पेस्ट तैयार कर लेना है इस तरह से। दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत से इसको प्लेन वाटर में यानी कि सादे पानी में घोलते हैं, तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि इस तरह से आपके बाल अगर घोलते हैं तो झड़ने लगेंगे और वो रूखे हो जाएंगे, बेजान से हो जाएंगे और बालों में जो कलर भी है ना जल्दी है ना वो निकल भी जाएगा। तो इसलिए जब भी आप है ना निशा हिना का यूज करें या करते हैं या करने वाले हैं तो मेथी और चाय की पत्ती का पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिससे कि बाल खराब नहीं होंगे, बाल स्ट्रांग एंड शाइनी होंगे। अब दोस्तों, इसमें मिलाएंगे हम 3 इंग्रेडिएंट्स, वो है नींबू। नींबू इसलिए डालेंगे अगर हमारे बालों में डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम होगी या इचिंग होती है या आपके बाल कुछ ज़्यादा ही ऑयली हैं, जैसे कि जल्दी जल्दी आप ना शैम्पू करते हैं और तो भी इसके बाद भी आपके बाल ना सिल्की से नहीं दिखते हैं, मतलब धुली से नहीं लगते, तो इससे क्या है वो उसका वर्क करेगा और हमारे बालों की जो समस्या है वो ख़त्म करेगा। तो इसको मैंने यहाँ पर एक पूरा लेमन का ना जो जूस था वो ले लिया था और इसमें मैंने डाल दिया। अब इसको आप अच्छे से मिला लीजिए।
दोस्तों ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने डाले हैं ये इस हेयर कलर में अगर थोड़ा बहुत भी जो केमिकल होगा ना वो सारे है ना केमिकलों को ख़त्म कर देगा, क्योंकि हमने इसमें मेथी, चाय की पत्ती, नींबू मिलाया है और चुकंदर का जूस मिलाया, तो समझ लीजिए कि सारा केमिकल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो अपना वर्क नहीं करेगा, बल्कि हमारी ये जो है ना हिना बन के तैयार हुई ना वो बहुत अच्छे से बन के हमारे बालों पर वर्क करेगी। तो अब इसको आप है ना 15 मिनट के लिए रख दीजिए, जिससे कि सारी ना चीज़ें जो डाली हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं, क्योंकि जो निस्सा है ना थोड़ी सी घुलने के बाद फूलती है, तो ये ना अच्छे से और मिल जाएगी। 15 मिनट का रेस्ट दे दीजिए, फिर इसके बाद फूल जाएगी तो एक अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा, फिर इसके बाद हम इसको बालों में अप्लाई करेंगे। चलिए अब यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पे बिल्कुल देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा पेस्ट काफ़ी स्मूथ सा बन के तैयार हो गया है। अब इसे हेयर पे कैसे अप्लाई करना है और कैसे इसको ना कितने घंटे लगाना है, तो ये सब कुछ मैं आपको बताती हूँ। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और ना शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि यार हम लोग इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप सभी के लिए कि आपको ना फ़ायदा मिले, तो प्लीज़ लाइक तो आपका बनता है। जब इसे आप बालों पर लगाएं तो आपके बाल क्लीन होना चाहिए और उनमें थोड़ा सा भी ऑयल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑयल होगा तो ये आपके बालों को कलर नहीं देगा। और फिर इसको आप अपने हेयर पर अप्लाई कर लीजिए और आप इसे ब्रश और हाथों की सहायता से लगा सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हों। और इसको लगा रहने के बाद 1 घंटे के लिए लगा रहने दीजिए, 1 घंटे के बाद आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए, फिर उसके बाद आप हैवी ऑयलिंग कर लीजिए। इससे ये होगा कि आपके बालों में जो कलर होगा वो बहुत लंबे समय तक रहेगा और बाल भी हेल्थी रहेंगे। और फिर इसके बाद आप नेक्स्ट डे शैम्पू कर लीजिए। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर मिल गया है और बर्गंडी टेक्सचर भी आ गया है और बाल भी सिल्की शाइनी भी दिख रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं मिलती हूँ फिर से एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। आप सुरक्षित रहें अपना।